हेलो नमस्ते, नमस्कार, राधा राधा राम, मैं अपना नाम है ना, अस्सलाम वालेकुम, मेरे नमनी से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे आप सब ठीक हो ना? यो भी आप सब ठीक होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा था तारा एक सियाल स्टोरी के व्यूवर्स पार्ट में, किसे आप बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करने लगती है और वो डाइनिंग टेबल से उठते उसे अपने रूम की तरफ भागती है। तारा उसके पीछे जाती है, पर इससे पहले तारा सिया से बात करती, सिया खुद को रूम में लॉक कर देती है। तारा को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो बार बार नो करती हुए कहती है कि सिया प्लीज़ यार, प्लीज़ ओपन द डोर, एटलीस्ट मुझसे बात करो यार, मुझे बताओ मेरी गलती क्या है। हाँ, क्या मैंने कुछ किया? अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो, पर प्लीज़ एक बार दरवाज़ा खोलो यार, मुझसे बात तो करो, ऐसा क्यों कर रही हो? और सिया अंदर ही अंदर तारा की बातें सुन के बहुत रो रही होती है। सिया को बहुत बुरा लगता है और उसे फील होता है कि सिया जैसे जैसे बहुत ही सेल्फिश लड़की हो। सिया खुद को बहुत सेल्फिश समझने लगती है और रोने लगती है, उसे सारा की बातें याद आती है और सिया सोचती है कि मैंने न जाने तारा को कितना हर्ट किया होगा जो सारा ने ये सब बोला। सारा ने ऐसा क्यों बोला कि सच में मैंने तारा को बहुत हर्ट किया? क्या मैं एक सेल्फिश लड़की हूँ? क्या मैं हमेशा तारा को हर्ट करती हूँ? तारा ने भी बोला था ना कि मैं उसे एक बार पहले भी भुला चुकी हूँ और उसे हॉस्पिटल में भी मैंने तारा के साथ बहुत गलत किया। भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, आप चाहते हो ना, पर फिर भी मैंने हर्ट कर दिया तारा को, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो भगवान, प्लीज़। और सिया ऐसे बोल के भगवान से प्रे करने लगती है और वहाँ तारा बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और तारा रोते हुए आवाज़ में बस इतना बोलती है कि सिया प्लीज़ यार, प्लीज़ ओपन द डोर, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकती यार, प्लीज़, अगर इस बार भी तुम्हें खो दिया तो मर जाऊंगी, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो यार, प्लीज़ मुझसे बात करो। और सिया जब तारा की ये बातें सुनती है तो सिया को कुछ समझ नहीं आता, वो तुरंत उठती है और बस दरवाज़ा खोल देती है। और जैसे ही सिया दरवाज़ा खोलती है तारा उससे लिपट जाती है। सिया तारा को पीछे करने की कोशिश तो करती है पर तारा इतनी टूटी हुई थी और इतनी घबराई हुई थी, सिया को खोने का डर इतना था कि वो सिया को इतना टाइटली पकड़ती है कि छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। और फिर सिया भी उसे हक कर लेती है और तारा सिया को हक करके बस रोती रहती है और कहती है कि प्लीज़ यार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने कुछ भी गलत किया हो तो। आई नो मैंने बहुत बॉलीवुड्स क्रॉस करी, आई स्वेयर मैं आपका पूरा कभी नहीं चाहती यार, और आपको मेरे साथ ये दोस्ती रखना पसंद नहीं है तो इट्स ओके, मत रुको यार दोस्ती पर इस तरह मुझसे मुँह मत फेरो यार, प्लीज़ मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ। और तारा ऐसे करके बहुत रोती है। सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता पर सिया का मन जो है वो एकदम नरम पड़ रहा होता है। वो जब तारा की आंसू देखती है ना तो पता नहीं क्यों उसके मन में एक हलचल से मचने लग जाती है, उसे इतना बुरा शायद ही पहले कभी फील हुआ होगा। सिया तुरंत ही तारा के आंसू पोंछते हुए कहती है कि तुम रो क्यों रही हो यार, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। तारा बोलती है अगर मैंने कुछ नहीं किया होता ना तो आप मुझसे मुंह ना फेरती, इस तरह मुझे इग्नोर ना करती, ना खुद को रूम में बंद करती। आई नो मैंने कुछ हरकत करी होगी, प्लीज़ आई एम सॉरी सिया, प्लीज़ ऐसा मत करना यार। सिया बोलती है ओके ओके रिलैक्स, अरे यार क्या हो गया तुम्हें? हाँ इट्स ओके, सब ठीक है। तारा बोलती पक्का मुझसे नाराज़ नहीं हो? सिया बोलती नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसे रोती रही तो पक्का नाराज़ हो जाऊँगी तुमसे। तो तारा तुरंत अपने आंसू पोंछती है और कहती नहीं मैं नहीं रो रही, मैं एकदम ठीक हूँ, पर प्लीज़ नाराज़ मत होना और मुझसे दूर मत होना। और तारा ऐसे बोल के सिया को फिर से हक लेती है। सिया की आवाज़ एकदम नीचे होते हुए एकदम ऐसे ही मतलब सुन पड़ जाती है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो इस मोमेंट में क्या करे, पर उसे अच्छा लग रहा होता है तारा का उसके लिए रोना, उसकी परवाह करना। और सिया भी उसे यूँ टाट लिया कर दिया और जैसे ही तारा को फील होता है कि सिया ने उसे जकड़ लिया तो तारा को सुकून आता है, वो सिया के शोल्डर पर ऐसे सर रखती है और एक बार फिर से तारा खुद को सिया के हवाले कर देती है। एकदम बस सिया के अंदर खो जाती है अपना सर, जैसे उसके शोल्डर पर रखती है तो सारी थकावट, सारी परेशानी, सारा दर्द, सारे आंसू भुला देती है और फिर से स्माइल करने लग जाती है। और सिया भी तारा को बहुत टाइटली हग करके खड़ी थी, तभी वहाँ ऊपर सिया की मम्मा आ जाती है ये देखने के लिए कि सिया ऐसे सडनली ऊपर क्यों आ गई। और जैसे वो ऊपर आती है वो देखती है कि तारा और सिया फिर से बहुत ज़्यादा क्लोज है, एक दूसरे को हग करके खड़े हैं, तो पता नहीं क्यों उनको फिर से आग लगने लगती है।
वो कहते हैं ना कि अगर हम अपने मोम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी और को दे दे तो मोम भी कभी कभी जेलिस हो जाती है यार। वो भी तो एक इंसान ही है यार। तो उसकी मम्मा भी जेलिस हो रही थी, आई डोंट नो ये क्या था, पर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था सिया और तारा का। इस तरह फिर से दोबारा साथ होना, और वो गुस्से से वापस वहाँ से चली जाती है। और यहाँ सिया और तारा जो है वो एक दूसरे को आग करके पीछे होते हैं, बेड पे बैठते हैं। और तभी सिया बोलती है कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलती तो तुम तो ऐसे पागलों की तरह रोती रहती। हाँ तारा बोलती क्या बोलते हो ये क्या बोला था, हाँ कि खो दोगी तुम मर जाओगी, ये क्या होता है, हाँ किसी एक इंसान के जिंदगी से चले जाने से जिंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। तो तारा सिया की तरफ देखती है और कहती है कि तुम कभी नहीं समझोगी कि एक इंसान की जिंदगी से जाने से वाकई जिंदगी ख़त्म हो जाती है। सांसें चलने के अलावा इंसान के अंदर कुछ नहीं बचता, सीधा लाश बन जाता है इंसान। एक इंसान की कीमत ना सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो उस इंसान से बेपनाह प्यार करता हो। तो तारा जैसे ऐसे बोलती है सिया बोलती तो मतलब तुम मुझसे बेपनाह प्यार करती हो। तो तारा कुछ नहीं बोलती और कहती है कि वो मैं नीचे जाती हूँ, सब परेशान हो रहे होंगे। तो तारा ऐसे ही जाने लगती है। तो सिया उसे कहती है कि बता के तो जाओ। तो तारा सिया की तरफ देखती है और कुछ भी नहीं बोलती। सिया बोलती ठीक है मत बताओ, ऐसे मैं समझ गई। तारा बोलती क्या समझे तुम? सिया बोलती यही कि तुम एक पागल लड़की हो। तारा बोलती क्या खूब पहचाना मुझे, पागल ही तो हूँ आपके प्यार में। सिया बोलती क्या कुछ बोला? तारा बोलती नहीं मैंने कुछ भी नहीं बोला। और तारा जो है वो ये बोल के नीचे चली जाती है। वो जैसे नीचे जाती है तो सबकी नज़रें तारा पर ही होती हैं। जैसे तारा नीचे जाके ऐसे ठहरती है सब पूछने लगते हैं कि सिया कैसी है और वो अचानक से ऊपर की तरफ क्यों भागी थी, वो ठीक तो है ना, उसकी तबीयत तो ठीक है। तारा बोलती ओहो सब ब्रेक लगाओ, सिया को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। और तभी सारा कहती है अच्छा अगर वो ठीक है तो तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? तारा तुरंत अपनी आंखों को यूँ मसलते हुए कहती अरे वो कुछ नहीं, कचरा चला गया था। सारा बोलती दिख रहा है मुझे कौन सा कचरा गया है तुम्हारी आंखों में? तारा बोलती तुम तो बस मेरे पीछे ही पड़ जाया करो। और तारा ये बोल के वहाँ से चली जाती है। और तभी तारा के पापा जो है वो उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो तारा को पीछे से रोकते हैं और कहते हैं कि बेटा ज़रा मेरे रूम में आना। और तारा अपने पापा के पीछे पीछे उनके रूम में चली जाती है। जैसे वो रूम में जाती है वो देखती है कि उसके पापा के हाथ में कुछ है। वो अपने पापा के पास जाके बैठ जाती है। उसके पापा वो सामान जो भी उनके हाथ में था वो तारा के हाथ में पकड़ा देते हैं। तारा बोलती है पापा ये क्या है? तो उसके पापा कहते हैं कि खुद ही खोल के देख लो। और तारा जब उसे खोलती है तो उस मतलब इतने बड़े लॉकर टाइप कुछ होता है, उसके अंदर सिर्फ एक ही की होती है। तारा बोलती क्या पापा इतना बड़ा बॉक्स है बस एक छोटी सी की? तो उसके पापा हंसते हुए कहते हैं कि ये एक बहुत ही बड़े खजाने की चाबी समझ लो। तारा बोलती खजाने की चाबी मतलब? उसके पापा कहते हैं कि बस तुम्हें ये चाबी देनी थी, इसे संभाल के रखो, इसे कब खोलना है वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तारा कहती क्या पापा मेरे साथ पहले पूछ रहे हो, पहले लाइफ मेरे साथ कम पहली पहली खेल रही है जो आप ही मेरे साथ पहली खेलने लग गए? तो उसके पापा हंसने लग जाते हैं। तारा बोलती पापा बताओ ना ये किस चीज़ की चाबी है? तो तभी उसके पापा कहते हैं बोला ना बेटा वक्त आने पे तुम्हें खुद ही सब पता चल जाएगा। तो तारा जो है वो ऐसे अपने पापा को हक करके बैठ जाते हैं। उसके पापा कहते हैं क्या हुआ परेशान हो? तारा बोलती नहीं पापा परेशान तो नहीं हूँ, बस थोड़ी सी सैड हूँ। उसके पापा कहते हैं क्यों क्या हुआ? तारा कहती मुझे आज लगा कि मैंने फिर से सिया को खो दिया। तो उसके पापा कहते हैं तुम्हें पता है ना तुम जुआ खेल रही हो, या तो जीतोगी या हमेशा के लिए हार जाओगे। तारा बोलती प्यार एक जुआ ही तो है पापा, खैर छोड़ो मुझे बहुत काम है, आपको कुछ काम है मुझे तो आप बताएं, मैं आपका पहले काम कर देती हूँ। उसके पापा कहते काम तो है। तारा बोलते क्या? उसके पापा कहते मेरी एक प्यारी सी लाडली सी बेटी है जिसके कपड़े ख़त्म हो गए, उसको शॉपिंग करवाने का काम है, लेकिन मैं अब बूढ़ा इंसान क्या क्या करूँगा, तो सोच रहा हूँ तुम्हें साथ लेके जाऊँ, उसकी चॉइस अब तुम ज़्यादा बेहतर समझोगे, तुम उसी की उम्र की। तो तारा हंसने लग जाती है कहते क्यों ना आप सारा से पूछो, वो फटाक से मान जाएगी पर मैं नहीं। तो तारा जाने लगती है। उसके पापा कहते हैं कि मेरे साथ तुम ही चलोगी, तारा बोलती देखेंगे। तो तारा से बोल के पापा के रूम से बाहर आ जाती है और हंसने लग जाती है, क्योंकि जब वो छोटी थी और उसके पास पेरेंट्स नहीं थे, मतलब थे तो सही पर वो सिर्फ नाम के थे, उसे प्यार नहीं करते थे। और वो अपनी सगी बेटी को शॉपिंग पे लेके जाते थे, उसके पापा उसका बहुत ख्याल रखते थे। और तारा जब ये सब देखती थी तो वो सोचती थी कि काश मेरे पापा भी ऐसे ही होते जो मुझे प्यार करते, मुझे शॉपिंग पे लेके जाते, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते। और फिर तारा हंसने लग जाती है कि लगता है वो दिन आ गया। और तारा बहुत खुश होती है और वो सोचती है कि वो अपने पापा के साथ शॉपिंग पर ज़रूर जाएगी, पर उससे पहले
वो जिया से थोड़ी बात कर ले, और इसलिए तारा जिया के रूम में जाती है। और जैसे वो रूम में जाती है, दरवाज़ा खोलने लगती है, तभी से अंदर से कुछ आवाज़ आती है, और तारा समझ जाती है कि जिया की मम्मा रूम में ही है। इसलिए तारा रूम के बाहर ही रुक जाती है, और शायद उसका बाहर रुकना जो है वो बुरा साबित होता है, क्योंकि तारा वहाँ से कुछ बातें सुन लेती है। सिया की मम्मा बातों ही बातों में सिया को तारा से दूर रहने की बार बार वार्निंग दे रही थी, और ये भी बोलती है कि जो तारा है ना, ये दिखने में बहुत मासूम, बहुत अच्छी है, पर ये उतनी मासूम नहीं है। सिया बोलती, क्या मम्मा, आप तो हर टाइम तारा के पीछे ही पड़े रहते हो, आपको इतनी बुरी क्यों लगती है, आखिरकार उस मासूम लड़की ने किया ही क्या है। तो उसकी मम्मा कहती, बेटे जो चेहरे से मासूम होते हैं ना, वो अंदर से मासूम नहीं होते। तो कहती, अगर वो अच्छी लड़की नहीं होती तो इस घर में क्यों रह रही होती, आप ही बताओ। तो उसकी मम्मा कहती, क्योंकि कुछ लोगों की आंखों पे पट्टी बंदी होती है, उन्हें दिखता नहीं कौन अच्छा और कौन बुरा, और मेरी बेटी भी उन्हीं लोगों में से है, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ, समझी। सिया कहती, मम्मा तारा तो दी की फ्रेंड है, तो आप दी को ये सब क्यों नहीं बोलती, मुझे क्यों बोल रहे हो। तो तभी उसकी मम्मा कहती, हाँ हाँ पता है तुम्हारी दी की फ्रेंड है, उसे तो समझा समझा के थक गई, इसलिए सोचा अब तुम्हें समझा दूँ। और तभी सिया अपनी मम्मा को देखती है, कहती, अब आप मुझसे झूठ भी बोलने लगे, मैं अच्छे से जानती हूँ तारा कभी दी की फ्रेंड थी ही नहीं, वो तो मेरी फ्रेंड थी शुरू से ही। तो जैसे सिया की मम्मा ये सुनती है, वो एकदम हैरान हो जाती है, वो घबरा भी जाती है, कहीं सिया की यादाश वापस तो नहीं आ गई, वो थोड़ा पैनिक करने लगती है। सिया बोलती है कि मुझे सब याद आ गया है। तो उसकी मम्मा कहती, क्या याद आ गया तुम्हें। सिया कहती, मम्मा अगर मेरी यादाश वापस आ जाए तो अच्छी बात है ना, तब तो परेशान क्यों हो रही हो। तो सिया की मम्मा कहती, हाँ बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी यादाश वापस आ गई, और मन ही मन में कहती है, और ये सोच के उदास भी कि फिर से तुम सिर्फ और सिर्फ तारा की माला झपकोगी, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और तभी सिया कहती, काश मेरी यादाश्त वापस आ जाती। तो सिया की मम्मी थी, इसका मतलब तुम्हारी यादाश्त वापस नहीं आई। सिया बोलती, नहीं बस ये जान चुकी हूँ कि तारा मेरी ही फ्रेंड थी कि नहीं, लेकिन आपने मुझे झूठ क्यों बोला। तो सिया की मम्मा कुछ बोलने वाली थी, तभी से आ गई थी, आई नो डॉक्टर ने बोला है ना आपको दिखावा करने का, जो चीज़ें मैं भूल गई उसे वापस से याद ना दिलाने का है ना। तो उसकी मम्मा कहती, कुछ ऐसे ही हो, तुम ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डाला करो, ओके। और क्या फ़र्क पड़ता है, वो तुम्हारी फ्रेंड थी या तुम्हारी दी की, मुझे वो लड़की नहीं पसंद थी, इसलिए तुम उसे दोस्ती नहीं करोगी और ना ही उसके करीब जाओगी। और तारा जैसे ये सब बातें सुनती है, वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि सिया की मम्मा को यार उससे प्रॉब्लम क्या है। और तारा ये सब सोचते हुए ऊपर टेरिस पे चली जाती है। जब वो ऊपर टेरिस पे जाती है तो वहाँ पे सिया उसकी साथ में कुछ प्यारे प्यारे मोमेंट्स उसे याद आने लगते हैं। सिया के साथ बिताए हुए जब वो पुरानी यादों को याद करती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और तभी जो उसने नीचे अपने कानों से सुना था वो सोच के फिर से परेशान हो जाती है, और कहती है, भगवान आप मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता मेरे साथ हो क्या रहा है, कभी सिया मुझे पसंद नहीं करती, कभी उसकी मम्मा, और ये सिया की मम्मा को मुझे प्रॉब्लम क्या है यार, मैंने तो हमेशा से सिया का भला ही चाहा, हमेशा से सिर्फ सिया के बारे में सोचा, उसका ही ख्याल रखती आ रही हूँ, पर फिर भी उसकी मम्मा मुझे पसंद क्यों नहीं करती हैं, आफ्टरऑल मैंने ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया जो मुझे इतना हेट करती है, मेरी गलती क्या है, मुझे कभी कुछ समझ क्यों नहीं आता। और तारे ये सोच के खुद से बातें कर रही होती है, और वहाँ सिया जाए वो अपनी मम्मा को कहती है कि मम्मा प्लीज़ जब देखो तारा 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 कम ऑन, आप मुझसे भी कभी बात करने आ जाया करो, मुझे तो ऐसा लगता है आप सिर्फ तारा की कंप्लेन करने ही मुझसे आते हो। तो उसकी मम्मा कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सिया बोलती मम्मा वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है, और अब देखो ना कितना अच्छा हो गया, मेरी यादाश्त चली गई है, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, एटलीस्ट वो तो है। ऐसे मैं सोच रही हूँ मेरे बाकी फ्रेंड्स कितने सेल्फिश है, कोई भी मुझसे मिलने तक नहीं आया, ये भी नहीं जानने आया मैं ठीक भी हूँ या नहीं, और एक तारा है जो यहाँ है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, हर टाइम मेरे साथ रहती है, मेरा ख्याल रखती है, और आप हो गए उसी बेचारी के पीछे पड़े रहते हो। तब सिया जो है वो तारा का बहुत सपोर्ट कर रही होती है। तो सिया की मम्मा को समझ आ जाता है कि भाई यहाँ तो मेरी दाल नहीं गलेगी, मेरी बेटी हमेशा की तरह बस तारा की माला जगती रहेगी और मेरी बात कभी नहीं सुनेगी। और इसलिए सिया की मम्मा जो है वो सिया से बात करते करते टॉपिक को ही चेंज कर लेती हैं, और फिर कहती हैं कि अच्छा मेरे बेटे बताए मुझे आज वो खाने में क्या खाएगी, मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। सिया बोलती मम्मा आप अपने हाथों से जो भी बनाओगे आई एम श्योर टेस्टी होगा, पर मैं सोच रही थी कि वो मैं, तो उसकी मम्मा थी वो मैं क्या। सिया बोलती नहीं नहीं ठीक है आप ही बना दो। उसकी मम्मा थी तुम क्या सोच रहे थे कि किसी और के हाथ का बना हुआ खाना चाह रही हो तुम। सिया बोलती नहीं नहीं मम्मा, माँ के हाथ का जो स्वाद होता है वो किसी और के हाथ में थोड़ी होता है, मुझे तो मेरी माँ के हाथ का बना हुआ ही खाना खाना है। हाँ तो सिया की मम्मा खुश हो जाती है, वो सिया को ढेर सारा प्यार करती है, और उसके बाद वो नीचे चली जाती है खाने की तैयारी करने में। हनिका भी खाने में बहुत टाइम होता है पर वो इतनी एक्साइटेड होती है कि पहले ही चली जाती है। और यहाँ सिया अब रूम में अकेली बैठी होती है और कहती है कि
मम्मा को अब क्या ही बोलती कि मुझे तारा के हाथ का खाना था। उस दिन भी उसने मुझे खाना बना के खिलाया था, वो कितना टेस्टी था। शुक्र है मेरे मुंह से निकल नहीं गया, वरना मम्मा तो मेरी जान ही ले लेती। और सिया ऐसे बोल के अपना मोबाइल उठा दिया। वो अपने मोबाइल को चेक करने लग दिया और कह दिया कि मेरी याददाश्त गई है, पर मेरे मोबाइल की तो नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा हो गई ना, मेरी शायद कुछ पुरानी फ्रेंड्स की डिटेल्स या कुछ भी। तो सिया जो है अपनी सारी चैट्स खोलने लगती है और उसमें जो है वो तारा की चैट होती है। सिया भी वो तारा की चैट पढ़ने ही लगती है कि तभी उसे कॉल आ जाती है। सिया को समझ नहीं आ रही होती कि किसका कॉल है, क्योंकि अननोन नंबर होता है। सिया कॉल तो रिसीव कर लेती है पर कुछ बोलती नहीं है। और जैसे उसे सामने से एक लड़की की आवाज़ आती है, सिया तुरंत कॉल कट कर देती है और उसे लगता है कि कोई ब्लैंक कॉल है, इसलिए वो दोबारा से कॉल बैक भी नहीं करती। और अब वो कहती है छोड़ो यार ये मैसेज वैसेज, गैलरी में देखती हूँ, मुझे भी तो पता चले मेरी कितनी फ्रेंड्स हैं। और ऐसे बोल के वो गैलरी खोलती है, और जैसे वो गैलरी खोलती है तो उसमें तो सारी की सारी तारा की और उसकी पिक्स होती है। उसमें तारा और सिया की पिक्स से तो पूरा का पूरा फोल्डर भरा हुआ होता है। और सिया देख के हंसने लग जाती है। इन दोनों के साथ में की हुई हर मस्ती की पिक होती है, बहुत सारी सेल्फीज होती हैं, बहुत मस्ती भरी पिक्स होती है। सिया जब उन पिक्स को देखती है तो वो बहुत खुश होती है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो काश मैं इन यादों को फिर से जी पाती, काश मैं इन मोमेंट्स को फिर से महसूस कर पाती, इस मोमेंट में मैंने कितना इंजॉय किया होगा ना, ये पिक में मैं कितनी खुश लग रही हूँ, और तारा ये भी कितनी खुश लग रही है और कितनी क्यूट भी। और इसके ऐसे बोल के तारा के फेस को थोड़ा सा ज़ूम करती है, वो ऐसे तारा को ही घूर रही होती है। उसके बाद वो कहती है कि चलो देखते हैं इसमें और किस किस के पिक्स होंगे। सिया बहुत स्क्रॉल करती है पर तारा 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 और सिया के का फोल्डर बस इन दोनों के नाम से ही भरा हुआ था। वो कहते देखते कोई और फोल्डर होगा, और वो दूसरा फोल्डर खोलती है। उसमें मतलब ऐसे ही फैमिली फ़ोटोज़ भी होती हैं, और हर फैमिली फ़ोटो में भी तारा होती है। सिया कहती अरे ये तो फ्रेंड है ना, तो हर फैमिली फ़ोटो में कैसे, शायद मेरी बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मेरे साथ रहती होगी। तो सिया इतना ध्यान नहीं देती, और तभी वो कहती है कि मैंने सारी पिक्स तो देखी नहीं, बस ऐसे स्क्रॉल कर दिया, मेरे पास बहुत टाइम है सारी पिक्स देखती हूँ। तो ऐसे बोल के वापस अपना और तारा का फोल्डर खोल देती है। और वो जैसे ही अपना और तारा का फोल्डर खोलती है तो उसमें से कुछ पिक्स ऐसी दिख जाती है जिसमें ये दोनों बहुत ही क्लोज थे, आंखों में आंखें डाली होती है और एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे थे। सिया जैसे उस पिक को देखती है तो उसे कुछ याद आने लगता है, और सिया ऐसे आंखों को बंद कर लेती है और दिमाग पर जोर डालने लगती है। उसे वो मोमेंट बिल्कुल क्लियर दिखता है, इस मोमेंट में ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रहे थे। और सिया तुरंत आके खोल लेती है, उसे इतना क्लियर दिखा था कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, पर अभी भी वो चाहती थी कि वो इससे ज़्यादा देखे। उसे लगता है कि एक पिक के थ्रू उसे इतना याद आ गया तो शायद दूसरी पिक देखने के थ्रू उसे और भी कुछ याद आ जाए, इसलिए वो बहुत सी पिक्स देखने लगती है। पर उसके बाद उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता, तो सिया थक हार के मोबाइल साइड पर रख देती है और वो आंखें बंद करती है। जैसे आंखें बंद करती है तो सिया को नींद आ जाती है, और नींद में भी उसके दिमाग में सारी की सारी वही फ़ोटोज़ घूम रही होती है जो तारा और उसकी थी। और सिया उन सारी फ़ोटोज़ को बार बार देख रही थी, बार बार देख रही थी, और तभी हल्की हल्की सी एक झलक उसे दिखने लगती है जिसमें तारा जो है वो उसको किस कर रही थी। और सिया तुरंत आके खोल लेती है, ये किस जो है वो चीक्स पे थी, इसलिए सिया ज़्यादा घबराती है। पर वो फिर भी सोचती है कि तारा मेरे इतने क्लोज कैसे, कोई भी फ्रेंड इतने क्लोज तो नहीं होती। लगता है कि तारा मेरी बहुत क्लोज थी इसलिए तो वो मेरा इतना ख्याल रखती है। इसका मतलब कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। और सिया के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सिया भी वो ड्रीम देख के उठ के बैठी थी कि तभी रूम में तारा आ जाती है। तो तारा को देख के बहुत खुश होती है, कहती है कि तुम्हारी उम्र तो बहुत लंबी है। तारा बोलती क्यों? सिया बोलती क्योंकि मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तारा बोलती ओहो मेरे बारे में क्या बात है, वो ऐसे ही क्या सोच रही थी। सिया बोलती यही कि तुम्हें मेरे नाराज़ होने से कितना फ़र्क पड़ता है, मैं नाराज़ हुई और तुमने तुरंत मना लिया और एक बार भी ये नहीं सोचा कि यार मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं सॉरी क्यों बोलूं। तारा बोलती अरे सॉरी बोलने से इज्जत कम थोड़ी होती है, और वैसे भी जो हमारे करीबी होते हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उन्हें हम सॉरी बोल देते हैं चाहे हमारी गलती हो या ना हो, बस इसीलिए कि उनके फेस पे हम ये आंसू नहीं देख सकते। सिया बोलती पर मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे ही किसी को सॉरी बोलूँगी, वो भी अपनी गलती ना होते हुए भी। तो तारा हंसते हुए कहती है कि आप तो मुझे बहुत बार ऐसे सॉरी बोल चुकी हो। सिया बोलती ओ झूठी, मैंने कब बोला। तो तारा हंसने लग जाती है। उसके बाद तारा बोलती है कि तो मैडम मुझे मिस कर रही थी, और मुझे मिस क्यों किया जा रहा था। सिया बोलती क्योंकि मैंने हमारी कुछ फ़ोटोज़ देख ली थी। तारा बोलती
एक सेकेंड, हमारी फोटोज़ आपके पास कैसे ऐसे होती? मेरे मोबाइल में थी तारावती। अरे ज़रा मुझे भी तो दिखाओ। तो ये अपना मोबाइल निकालती है और उसमें उसको पिक्स दिखाने लग दिया। तारावती एक मिनट देना। तो तारा ऐसे जल्दी 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 स्क्रॉल करती है। उसे तो पता होता है कि इसमें दोनों की बहुत करीबी वाली पिक्स भी थी, थोड़ी किस चीज वाली भी। और तारा तुरंत से वो पिक्स डिलीट करने लगती है। सिया बोलती है, तुम मेरे मोबाइल के साथ क्या कर रही हो? तारा बोलती, मैं आपका मोबाइल हैक कर रही हूँ। सिया बोलती, व्हाट? अरे मेरे मोबाइल हैक मत करना, मैं जान ले लूँगी। तारा बोलती, मैं तो कर रही हूँ। तो तारा ऐसे मोबाइल के साथ छेड़खानी करने लगती है। सिया को लगती है शायद वो सच में उसका मोबाइल हैक करने वाली है। तो सिया उससे मोबाइल लेने की कोशिश करती है, पर तारा बेड के ऊपर चढ़ जाती है और ऐसी सारी पिक्स को डिलीट करने लगती है। तो सिया भी बेड के ऊपर चढ़ जाती है और तारा के हाथ से मोबाइल लेने लगती है। तारा ऐसे उछल रही थी, हाथ ऊपर कर रही थी, तो सिया भी उछलते हैं उससे मोबाइल लेने के लिए। पर सिया जो है वो खुद को संभाल नहीं पाती। टिस पहले सोचा था वो तारा के ऊपर ही गिर जाती है। जैसे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं तो तारा सिया को बहुत ज़्यादा प्यार से देखने लगी थी। और इस बार सिर्फ तारा ही नहीं, सिया भी तारा को बहुत प्यार से देख रही थी। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में घूर रहे थे और देखते देखते पता नहीं क्यों सिया का मन करता है कि वो बस तारा को किस कर ले। और इस बार सिया बगैर कुछ सोचे समझे बस तारा के फोरहेड पे किस कर ली थी। और जैसे वो किस करती है तो तारा की हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है और सिया की भी। सिया घबराते हुए बेड से नीचे उतर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसने तारा को किससे क्यों किया और उसे कुछ समझ नहीं आता। वो तारा को फेस भी नहीं कर सकती थी इसलिए रूम से बगैर कुछ बोले बाहर चली जाती है। तारा एकदम उठ के बैठ जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि सिया ने उसे किस किया। वो बहुत शॉक्ड होती है। 5 मिनट के लिए तो बस ऐसे ही बैठी रहती है। उसके बाद तारा खुद को पिंच करती होती है, ओह माय गॉड की टीम ही था, सिया ने सच में मुझे किस किया। और तारा यूँ उछलने लगती है, चिल्लाने लगती है खुशी के मारे। और फिर वो मिरर में खुद को देखती है और अपने फोरहेड पे हाथ लगाती है। उसे याद आता है कि सिया ने कितने प्यार से उसको यहाँ पे किस किया था। और तारा की खुशी का ठिकाना नहीं होता। यहाँ पे तारा जितनी खुश थी गुनगुना रही थी, डांस कर रही थी। दूसरी तरफ सिया उतनी ही ज़्यादा नर्वस थी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि सब अभी इन दोनों के बीच में क्या हुआ। सिया बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी। उसे समझ नहीं आता कि उसने तारा को किसी क्यों किया। और सिया बहुत 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 परेशान हो जाती है। वो पूरे घर में इधर उधर घूमने लगती है और बस बार बार वही सुन उसके दिमाग में चल रहा होता है। और वहाँ सिया की मम्मा कुकिंग कर रही होती है तो वो सिया को वहाँ चलते हुए देखती है, टहलते हुए देखती है। तो बाहर आती है, कहती बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो रूम में होना चाहिए था ना, आराम करना चाहिए था। तो सिया बोलती है, हाँ मम्मा मैं बस ऐसे ही रूम में बोर हो गई थी। तो सिया उधर ही सोफे पे बैठ जाती है। तो उसकी मम्मा वापस किचन में चल जाती है क्योंकि खाना ना जल जाए इस डर में। और वहाँ सिया अकेली बैठ के बस तारा के बारे में सोच रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, ये सारी चीज़ों से उसका दिमाग ख़राब हो रहा होता है। सिया अपना सर पे यूँ हाथ रखती है और आँखें बंद करती है और कहती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। सिया खुद से ही सवाल कर रही थी। पर जैसे ही वो सामने से तारा को आते हुए देखती है तो सिया एकदम घबरा जाती है। वो उठ के जाने लगती है। तारा उसका हाथ थामते हुए उसे टेरिस पे लेके चली जाती है। सिया बोलते हैं कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों बुलाई? सिया की नज़रें एकदम नीचे होती है और सिया जो है वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही होती। तारा सिया का हाथ थामती है, कहती है कि मेरे साथ डांस करोगी? सिया एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो बस तारा को देखने लगती है। तारा बोलती है, ओ कम ऑन, मैं इतनी बुरी डांसर भी हूँ कि तुम्हें मेरे साथ डांस करने से पहले 100 बार सोचना पड़े। सिया फिर भी कुछ रिप्लाई नहीं देती और कहती है कि मुझे कुछ काम है। सिया जाने लगती है तो तारा उसका हाथ थाम के उसे अपनी तरफ खींचती है और उसे पीछे से हक कर लेती है। जैसे ही तारा ऐसे कहती है तो भाई सिया की हार्ट बीट बढ़ने लगती है और वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती। तो तारा को पीछे की तरफ पुश करती है और तारा कहती है, आउच यार इतने जोर से कौन पुश करता है? तो सिया बगैर पीछे मुड़े बस टेरेस से नीचे चली जाती है। तारा समझ जाती है कि सिया शायद नर्वस है, ये गिल्टी है, ये कन्फ्यूज्ड है, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रही है। और तारा को पता होता है कि अब सिया उसके साथ बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगी और शायद उसे इग्नोर भी करे, जो तारा को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए वो सोचती है कि उसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सिया वापस से कंफर्ट जोन में आ जाए। पर क्या? तो वो बहुत सोचती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। पर कहीं ना कहीं तारा ये जान चुकी थी कि सिया को उसके लिए कुछ तो फील हुआ था, तभी तो उसने उसको किस की थी। और ये तारा के लिए बहुत 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 बड़ी न्यूज़ थी, बहुत खुशी की न्यूज़ थी। तो तारा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो वहीं पे म्यूज़िक लगाती है और वहीं पे डांस करने लगती है। तारा तो डांस बहुत अच्छा करती है तो वो खुशी के मारे बहुत ही अच्छे से डांस करने लगती है। और वहाँ सिया कहती है कि मैं कब तक ऐसे खुद से
लड़ाई करती रहूंगी, खुद से जंग करती रहूंगी, खुद से सवाल करती रहूंगी। मुझे सवाल तारा से करना चाहिए कि मैंने उसे किस क्यों किया, शायद उसे पता हो। और सिया ये सोच के वापस ऊपर टेरिस पे आती है। जैसे वो टेरिस पे आती है, वो तारा को डांस करते हुए देखती है। तारा जो बहुत ही अच्छा डांस कर रही थी और अपनी ही दुनिया में मगन थी, खुशी के मारे उसका अंग अंग डांस कर रहा था। और सिया जब उसे डांस करते हुए देखती है तो वो तो बस देखती ही रहती है। तारा का हर एक मूव बहुत ही अच्छा था। तारा बहुत ज़बरदस्त डांस कर रही थी और सिया बस पागलों की तरह उसे देख रही थी। और जब तारा को रियलाइज़ होता है कि सिया उसे देख रही है, तो तारा डांस करते करते सिया के करीब चली जाती है। वो उसका हाथ थामती है और उसको जो है वो थोड़ा पीछे लेके जाती है और उसको डांस करते हुए थोड़ा सा टच करने लगती है। पर जैसे वो सिया को टच करती है, सिया पीछे होने लगती है, तो तारा हाथ ऊपर कर लेती है और उसे बगैर टच किए डांस करने लगती है। सिया का सारा ध्यान तारा पे होता है। तारा डांस करते हुए इतनी क्यूट और इतनी हॉट लग रही थी कि सिया बेचारी तो नज़रें भी नहीं हटा पाती। वो तो बस तारा को ही निहारती रहती है और तारा को अच्छे से पता होता है, और इसलिए वो थोड़ा थोड़ा सिया के करीब जाके ऐसे उसकी बॉडी से टच करके डांस करने लगती है। और जैसे ही तारा की बॉडी से आगे बॉडी से टच होती है, सिया के मन में तन में एक आग सी लगने लगती है, एक करंट सा, वो घबराने लगती है। अब वो तारा से काफ़ी दूर हो जाती है। तारा हंसने लगती है और वो डांस करना स्टॉप कर देती है। सिया बोलती है, क्या हुआ, तुम रुकी क्यों, करो ना डांस, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। तारा बोलती, डांस करने को तो मैं पूरी रात कर लूँ, पर मुझे भी कंपनी चाहिए। सिया बोलती, मतलब, तारा बोलती, अकेले डांस करते करते बोर हो गए, अगर कंपनी मिल जाती तो मैं आराम से 2-3 घंटे डांस कर सकती थी। सिया हंसते हुए कहती, मुझे डांस नहीं आता। तारा बोलती, जानती हूँ, पर मैं बहुत अच्छा सिखाती हूँ, सीखोगी मुझसे। सिया हंसने लग जाती है और तारा जो है वो सिया से थोड़ा फ्लर्ट करती है और थोड़े अच्छे से बात करने लगती है, जिससे सिया के फेस पे स्माइल आ जाता है और वो अब जो भी टेंशन थी वो सब निकाल देती है और कम्फर्ट जोन में आने लगती है। उसके बाद तारा बोलती है, कम ऑन, डांस करो ना मेरे साथ। तो सिया कहती, ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों साथ में डांस करने लगते हैं और डांस करते करते ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं। और सिया तारा को देख के कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतना अच्छा डांस करती हो। तारा होती, और भी बहुत कुछ है जो मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ। सिया बोलती, और वो क्या। तारा बोलती, वक्त के साथ खुद ही पता चल जाएगा। सिया बोलती, कम ऑन, ये डायलॉग पुराना हो गया, मुझे बताओ ना क्या है जो तुम बहुत अच्छा कर लेती हो। तारा बोलती, वैसे तो मैं शायर नहीं, पर शायरी भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ। सिया बोलती, तो थोड़ी हमें भी सुना दो। तारा हंसते हुए कहती, फिर कभी। सिया बोलती, क्यों, डाउट है इस शायर को खुद पे कि उसकी शायरी अच्छी नहीं। तारा बोलती, नहीं ऐसा तो नहीं है। सिया बोलती, फिर सुना दो मुझे भी अपनी शायरी। तो तारा हंसने लग जाती है। वो सिया के कमरे में हार डाल के सबने और क्लोज कर दे दिया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके बाल साइड पे गिर दिया और कहती है कि दिल में राज छुपा है, दिखाऊं कैसे, हो गया है प्यार आपसे, बताऊं कैसे। दुनिया कहती है, मत लिख नाम दिल पर, जो नाम है दिल पर उसे मिटाऊं कैसे। तारा ये सब सिया की आंखों में आंखें डाल के बोलती है और सिया बस तारा को देखती रहती है। तारा बोलती, क्या हुआ, कैसी लगी मेरी पोइट्री। जो सिया बोलती, दिल को छू गई, अगर ये पोइट्री तुमने किसी लड़के को बोली होती तो पक्का तुमसे शादी कर लेता। तारा बोलती, लड़के को ना से एक लड़की तो बोल दी, तो बताओ शादी करोगी मुझसे। तो सिया हंसने लग जाती है, वो तारा की बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। और तारा भी मजाक में सिया को बोलती है, कम ऑन यार, अब दिल भी मत तोड़ो, हाँ एक तो करना है, कर दो। सिया बोलती, हाँ ठीक है, कर लूँगी शादी। तारा बोलती, देख लो मुकरना मत। तो सिया हंसने लग जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। उसके बाद ये दोनों ऐसे ही बस एक दूसरे के करीब रहते हैं और डांस करते रहते हैं। बस सिया को तारा के इतने करीब हो के बहुत ही अच्छा फील होता है। शायद वो कुछ सोचने लगती है और तभी तारा बोलती है कि क्या हुआ, कहाँ खो गई। सिया बोलती, नहीं कुछ नहीं। और सिया तारा के शोल्डर पे उसे रख लेती है और इन दोनों अभी भी हल्का हल्का सा डांस कर रहे होते हैं, वो भी कवर डांस। और सिया को बहुत अच्छा लग रहा होता है तारा के इतने करीब आके। वो कहती है कि पता नहीं क्यों जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे सब अच्छा लगता है। और तारा के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सिया बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर कभी मत जाओ। तारा बोलती, यही तो मैं भी चाहती हूँ। सिया बोलती है कि और आई एम सॉरी, मैंने उस टाइम ओवर रिएक्ट किया। तारा बोलती, से ओवर रिएक्ट नहीं कहना कहते। सिया बोलती, फिर क्या कहना कहते हैं। तारा बोलती, इसे कहते हैं नखरे उठवाना। तारा बोलती है कि बहुत अच्छे से जानती हो नखरे कैसे उठवाते हैं। सिया बोलती, हो मैंने कोई नखरे नहीं उठवाए, ओके।
तो सिया से बोल के थोड़ा पीछे हो जाती है। तो तारा उसके कमरे में हाथ डालते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम आपके नखरे भी उठा लेंगे। वैसे नखरे के नाम पे हमें एक और पोइट्री आई है, अगर आप इरशाद कर दो तो हम सुना भी देंगे। तो सिया हंसने लगती है कि हाँ हाँ इरशाद इरशाद सुनाओ आप। तो तारा कहती है नखरे तुम्हारी जिंदगी भर उठाएंगे, हर बार तुम रूठना और हम मनाएंगे। सियावती आए हाय, ये वाली पोइट्री कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। सियावती आ हाँ सच्चे तो कर लो शादी। सियावती अरे तुम्हें क्या हो गया है, कम ऑन कैसे कर लूँ शादी। तारा बोलती ओ दिल तोड़ देते हो तुम मेरा, गंदी हो जाओ यार कट्टी। तो सिया हंसने लग जाती है कि तुम बहुत क्यूट हो, किसने तुम्हें बताया। तो तारा बोलती हाँ बहुत बार। सियावती किसने। तारावती ओ जेलस हो रहा है। सियावती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तारावती शायद कोई हो रहा है। हाँ सियावती ओहो जेलसी माय फुट, मैं किसी से जेलस नहीं होती। ओके अच्छा चलो नीचे चलते हैं। तो सिया से जाने लगती है, तारा से पीछे से हक करके रोकती है और कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है जाने की। सिया की धड़कने तो बस उधर ही थम जाती है, वो एकदम घबरा जाती है और एकदम फोज हो जाती है। और तभी तारा को रियलाइज़ होता है कि उसने ये क्या कर दिया। और वो सोचती है कि मैंने क्या किया, ये मेरी पहली वाली सिया थोड़ी है, ऐसे तो कुछ याद भी नहीं। तारा एकदम पीछे होती है और कहती है आई एम सॉरी, वो मेरी पुरानी आदत है, तुम्हें ये पीछे से हक करना मैं भूल गई थी कि तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं। सियावती तुम ये मेरे साथ पहले भी करती हो। तारावती मुझसे ज़्यादा तो आप ही करती थी मेरे साथ, और आपकी वजह से मुझे भी आदत लग गई। सियावती मैं करती थी। तारावती हाँ आपकी आदत थी, मुझे जहाँ देखो पीछे से आके बस हक कर लो। तो सिया हंसते हुए कहती हाँ कुछ भी। तारावती अरे सच्ची आप ये करती थी। सियावती ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके तारावती हो मैं झूठ बोलूंगी। सियावती हाँ बोल सकती हो। तो सिया ऐसे बोल के नीचे चली जाती है। तारा हंसने लग जाती है, वो भी नीचे चली जाती है। अब तारा के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी क्योंकि फाइनली इन दोनों ने कुछ वक्त साथ में वो भी अकेले में बिताया था। और वहाँ सिया भी बहुत खुश थी। सिया नीचे आती है और तभी उसके मम्मा कहती कि बेटा कहाँ थी तुम, मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम गायब। सिया बोलती हाँ ना खाना है, बहुत भूख लगी है, सबको बुलाओ ना। तो उसकी मम्मा सबको बुलाती है और खाना भी लगाती है। उसके बाद ये लोग खाना खा रहे होते हैं और तभी सिया खाना खा के बहुत खाने की तारीफ करने लगती है। और तभी सिया के पापा कहते हैं कि क्या बेटा तुम भी, अभी तुम्हें तारा के हाथ का खाना बना खिला दो तो तुम अपनी माँ के हाथ का खाना भूल ही जाओगी। वैसे तो मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ तारा बेटा, कब बना के खिला रही हो अपने हाथ का खाना। तो सब हंसने लगते हैं और सिया बोलती है कि हाँ वैसे मिस तो मैं भी कर रही हूँ तारा के हाथ का बना हुआ खाना। तारा हंसने लग जाती है और कहती है अच्छा तो बता देती मैं ही बनाती थी। फिर लोग वहाँ से आपस में बातें करने लगते हैं। सिया की मम्मा को फिर से बुरा लगता है, वो वहाँ से उठ के चली जाती है। ये जेलिसी है ये क्या, ये तो अभी तक हमें नहीं पता, पर सिया की मम्मा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती तार और सिया का करीब आना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड आज से पहले प्यार से छोटी सी निर्मल से रिक्वेस्ट है कि यार अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।